तो भाई साहब ये हमारा घोड़ा है, देख लीजिए आप पूरी तरह से। ये हमारा घोड़ा है, पिछले महीने काम स्टार्ट किया था कमटे का, तो ये यहीं पर रह गया था। तो इस घोड़े को हमें केशोबा के घर पहुंचाना है, तो ये केशोबा के घर जाएगा सीधा, जो हमारे लगते हैं दोस्त हैं हमारे बड़े पापा के, तो वहाँ पर जाएगा ये। तो इसको उठाने के लिए कंधे से कंधे मिलाकर हमारे साथ चलेंगे मिस्टर धर्मेंद्र भाई साहब। तो अभी वो आ रहे हैं तैयार होकर, तो हम जाएंगे इसको लेके केशोबा के यहाँ। तो ये कैमरा सामने वाला और ये घोड़ा देखिए नीचे पड़ा है जो। तो अभी धर्मेंद्र भाई आ रहे हैं, पता नहीं कब आएगा यार, हमारे भी लेट हो रहा। और ये धर्मेंद्र भाई निकल से देखिए, और ये देखिए धर्मेंद्र भाई अपने धीरे धीरे छोटे छोटे कदम आगे बढ़ाते हुए, और ये सीधे इसको हाथ डालेंगे। अभी ये घोड़ा ऊपर उठाएंगे, अकेले देखिए अकेले मेहनत करेंगे। अब देखिए मुझे तो कंधे कंधा मिलाना है यहीं से, कंधे से कंधे मिलते हैं जब कंधे से कंधा। तो अभी ये धर्मेंद्र कुमार इसको पलटते हुए, और ये घोड़ा काफी हैवी है, बहुत भारी है, मुझे भी उठाना पड़ेगा। तो मैं वीडियो को यहीं पर स्टॉप कर रहा हूँ, और ये धर्मेंद्र भाई पूरी में पूरा जोर लगा रहे हैं, अपने रेडी से छोटी जोर लगा रहे हैं, देखिए। हाँ तो ठीक है, अब मुझे भी कंधा मिलाना पड़ेगा। तो भाई साहब अभी हम घोड़े लेकर जा रहे हैं, ये थोड़ा ब्लैक ब्लैक आ रहा है। अरे यार कंधे से कंधे दुख रहा है, बस बहुत ज्यादा दुख रहा है यार ये धर्मेंद्र भाई साहब। अभी मंजिल के करीब ही हम, 30-40 कदम दूर है बस। अभी ये मुझे बंद करना पड़ेगा यहाँ पर वीडियो। तो भाई साहब यहाँ पर कंधे दुखने आ गए, तो हमने यहीं पर रख लिया और थोड़ा आराम फरमा रहे हैं घर के सामने, ये पूरा आराम फरमा रहे हैं बस, और कुछ नहीं है। अभी यहाँ से धर्मेंद्र अकेला लेकर जाएगा। तो भाई साहब ये धर्मेंद्र प्रयास तो कर रहा है अकेले ले जाने का। ये देखिए भाई साहब, ये देखिए आप देख लीजिए, देखिए मैंने कहा ना था भाई साहब ये बेटा किसका है, मिस्टर मोहनदास करमचंद गांधी। तो ठीक है अभी हंसी मजाक हो गया, वो तो देखो सर एक हाथ ऊपर, कंधों से कंधे मिलते जब कंधे, अब कंधों की जरूरत नहीं है, अब हाथ ही पकड़ो। ठीक है भाई साहब, काफ़ी सारी मशक्कत के बाद हम अपनी मंजिल तक पहुंच चुके हैं। अभी ये घोड़ा ये सामने वाले घर में जाएगा, देख लीजिए अभी दिखा, ये सामने वाला घर, अभी गेट खोला मैंने, इस घर में जाएगा। तो धर्मेंद्र पकड़ा, अच्छा ये धर्मेंद्र भाई कह रहा है, और ये लग रहा है अजी, ओके ओके। तो ये धर्मेंद्र भाई साहब हमारे बड़े भैया आते हुए देखकर धर्मेंद्र भाई को सपोर्ट कीजिए, भाई साहब इन्होंने बहुत सारी मेहनत की है। तो अब भी मिलेगी अगले व्लॉग में, थैंक यू, बाय बाय। हम जा रहे थे घर पर, लेकिन हमारे कुत्ते को काट लिया हमें, अभी यार पट्टी करवानी पड़ेगी। हेलो गाइस, इस पुखराज ने को अभी कुट ने का दिया है, दिखाना ये भाई साहब देखिए, ये देख लो आएगा क्यों नहीं। अभी हम अगीसन लगाने जा रहे हैं, चल बोल। ऐसा एक भाई साहब कुत्ते ने तो काट लिया है, तो इंजेक्शन लगाना पड़ेगा, नहीं तो ये इन्फेक्शन हो जाएगा पूरे पैर में, तो क्या पैर खोना पड़ेगा हमें, तो पैर से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इंजेक्शन, तो इंजेक्शन दे देते हैं। तो भाई साहब कुत्ते ने काट लिया था, मुझे हमें ये 5 टीके लगवाने पड़ेंगे 5 दिन तक, प्रत्येक दिन 5 हम लिख 5 दिन तक 5 टीके लगवाने पड़ेंगे। ये धर्मेंद्र साहब के पास पर्सी निकाल इसको, ये पर्सी ये देंगे इसी है। अभी यार क्या लेने गए थे, क्या लेकर आ गए पता नहीं, मतलब कि भाई साहब घोड़ा रखने गए थे, कुत्ते ने काट लिया। तो भाई साहब क्या क्या करना पड़ रहा है कुत्ते के चक्कर में यार, अभी ये धर्मेंद्र पर्सा जमा पर्सी बना रहा है, अभी हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ेगा मुझे, अभी वो ग्लूकोज चढ़ेगा 5 दिन, मतलब कि 5 ग्लूकोज है अलग अलग तारीख को, आज 24 को है, 27 को है, 31 को है, 7 को है, 111 को है, अलग अलग। तो अभी देख रहे, तो भाई साहब इंजेक्शन हो गए लगा दिए यार, दो दो इंजेक्शन लगे पिस्तौड़े पर, अभी यार दर्द कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। अभी 27 तारीख को आने को कहा है, उसके बाद 31 के बाद 7 और 21, मतलब कि 27, 31, 7, 21 को आना है, फिर से एक एक इंजेक्शन लगाना है, 5 इंजेक्शन लगेंगे पूरे, आज के 2 लगे। जा रहे हैं घर,
घर जाकर पैर को धोएंगे लाइफ बॉय से, डिटॉल साबुन से धोएंगे, नहीं तो और जो जो गोलियां लिखी है वो टाइम पर लेनी पड़ेगी तब। और बर्सी बर्सी का व्हाट्सएप कर देंगे अभी तब जाकर ठीक हो जाएंगे। तो कम से कम 5 समाप्त हो।